फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट गाइस फ्रंट पार्किंग कैमरा वाली वीडियो को लाइक करने के लिए। इस वीडियो के बाद में मुझे कई मेल्स मिली जिसमें मैंने वायरिंग कैसे की ये लोगों ने पूछा है, तो आज इस वीडियो में मैं वो भी कवर करूंगा और कार में इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी लगाने का सही तरीका जिसमें वारंटी वाइड ना हो और कार भी सेफ रहे ये बताऊँगा। तो भाई नई कार ले ली और हम पहुँच गए सीधे एक्सेसरीज लगाने वाले के, और एक्सेसरीज की लिस्ट पकड़ाई और साफ शब्दों में कह दिया कि भाई वारंटी वाइड नहीं होनी चाहिए। एक्सेसरी वाले ने भी झूठा मोटा आश्वासन दे दिया कि हम वायर कट ही नहीं करते, हम तो स्कॉच लॉक लगाते हैं या कपलर से कपलर कनेक्ट करते हैं और आप संतुष्ट। तो एक्सेसरी वाले भैया ने एक वायर पकड़ा जिसमें 5 एम्पेयर का फ्यूज था, वायर जो 5 एम्पेयर के हिसाब से था, और OEM इक्विपमेंट जिसमें 5 एम्पेयर या उससे कम पावर चाहिए थी। वायर में भैया ने स्कॉच लॉक लगाकर अपने रोल में से स्पीकर वाला वायर जो सपोजिटली 7.5 एम्पेयर की कैपेसिटी का है, और फाइनली उन्होंने 20 एम्पेयर की एक्सेसरी फिट कर दी। ठीक है, अब क्योंकि वायर में करंट फ्लो ज़्यादा है तो फ्यूज़ ना उड़े, इसके लिए उन भैया ने 30 एम्पेयर का फ्यूज़ फिट कर दिया और आपकी एक्सेसरी वर्किंग हो गई। अब थोड़ा ध्यान से देखें, OEM एक्सेसरी में भी 30 एम्पेयर की पावर आई क्योंकि फ्यूज़ 30 एम्पेयर का लगा है जो कट ऑफ नहीं देगा, लेकिन वो पार्ट को सिर्फ 5 एम्पेयर ही चाहिए। वायर भी 5 एम्पेयर की पावर का है लेकिन नए एक्सेसरीज के लिए वायर में से 25 एम्पेयर पास होगी। विद टाइम वायर ओवर हीट होके फ्राई हो जाएगा, OEM इक्विपमेंट खराब हो जाएगा, वर्स्ट केस में गाड़ी में आग भी लग सकती है। अब जब वारंटी क्लेम की बात आई तो कार कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। तो गलती कंपनी की नहीं है भाई, भले ही आपने स्कॉच लॉक लगाया लेकिन आपने सर्किट को ओवरलोड कर दिया। और हाँ, स्कॉच लॉक भी वायरिंग काटती है, इसकी ब्लेड से वायर कट होती है। तो आज मैं सही तरीका बताता हूँ एक्सेसरी फिट करने का, जिससे ना वारंटी अवॉइड होगी, ना सर्किट्स ओवरलोड होंगे और ना ही गाड़ी में आग लगने का रिस्क होगा। हमें ओरिजिनल सर्किट को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ठीक है, इस काम के लिए यूज़ करना है फ्यूज टैप। इसके यूज़ से ओरिजिनल सर्किट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता और नया एक पैरेलल सर्किट जनरेट हो जाता है जिसका खुद का फ्यूज़ होगा, खुद का कंपेटिबल वायरिंग होगा और खुद का सेपरेट सर्किट होगा। और हाँ, हम ऑन ऑफ के लिए खुद का सेपरेट स्विच भी ऐड करेंगे। सबसे पहले फ्यूज टैप को कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। तो भाई ये एक ऑर्डिनरी फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ का पावर इन और ये पावर आउट है। फ्यूज़ में से बैटरी का करंट पास होकर आगे सर्किट्स और रिले में जाता है। अगर फ्यूज़ में कैपेसिटी से ज़्यादा करंट पास होता है तो ये जो पतला सा वायर जो दिख रहा है ना, ये जल जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। अब इसकी जगह फ्यूज टैप लगाते हैं, इसमें सेम ये पावर इन लेग है और ये पावर आउट है। इसमें पावर प्राइमरी फ्यूज़ और सेकेंडरी फ्यूज़ को जाता है। अब जहाँ प्राइमरी फ्यूज़ में से ओरिजिनल फ्यूज़ की तरह पावर आउट लेग से पावर पास हो जाती है, ये फ्यूज़ ओरिजिनल फ्यूज़ का काम करता है। लेकिन ये जो सेकेंडरी फ्यूज़ है, इसमें पावर पास होकर इस वायर के थ्रू एक्सेसरी को चली जाती है, और दोनों फ्यूज़ में कैपेसिटी से ज़्यादा जैसे ही पावर आई और ये फ्यूज़ उड़ जाएंगे और एक्सेसरी अपनी सेफ रहेगी। एक चीज़ वो देखने की है कि सेकेंडरी फ्यूज़ या तो मेन फ्यूज़ के बराबर होगा या उससे कम होगा, लेकिन इन एनी केस उससे ज़्यादा नहीं होगा। फ्यूज़ टेप लगाना कैसे? तो सबसे पहले फ्यूज़ बॉक्स के ढक्कन पर कौन सा फ्यूज़ किसका है ये डायग्राम होता है, तो ये पहले देख लो। एक्स्ट्रा फ्यूज़ और फ्यूज़ निकालने का क्लिप भी यही होता है। ऐसा ही एक फ्यूज़ बॉक्स गाड़ी के अंदर कैबिन में भी होता है। अब सेलेक्टेड फ्यूज़ को वोल्टामीटर से देखना है कि ये फुल टाइम ऑन है या एक्सेसरी या पावर ऑन के, जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है उसमें स्टार्ट होता है, डिपेंड अपॉन एक्सेसरी। जैसे मेरे DRL को इग्निशन के साथ ही ऑन करना था तो मैंने मीटर लाइट के फ्यूज़ को सेलेक्ट किया, पर डैश कैम को फुल टाइम पावर चाहिए थी तो मैंने हॉर्न के फ्यूज़ के साथ कनेक्ट किया। मीटर में 12 एम्पियर तक रीडिंग का मतलब है कि फ्यूज़ में इस टाइम पावर आ रही है। मेरा डैश कैम, फ्रंट व्यू कैमरा विद गाइडलाइंस, रैप्टर DRL सभी अंदर की फ्यूज़ बॉक्स से कनेक्टेड है, और फ्रंट कैमरा में मैंने पावर लाइन में ऑन ऑफ का स्विच भी ऐड किया है। आसानी से डेमोंस्ट्रेट करने के लिए मैं फ्यूज़ टैप मेन फ्यूज़ बॉक्स में करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे को ये पिंक वाला 10 एम्पेयर के फ्यूज़ को टैप करना है, तो मैं क्लिप से इसे निकाल कर फ्यूज़ टैप को नीचे वाले स्लॉट में फिक्स करूँगा। अब ऊपर के स्लॉट में मेरे एक्सेसरी के लिए फ्यूज़ है, फिर जेंटली उस फ्यूज़ को स्लॉट में फ्यूज़ टैप में लगा दूंगा। अब मेरे दोनों फ्यूज़ फंक्शनल हैं। नीचे ओरिजिनल फ्यूज़ पिंक 10 एम्पेयर का है, ठीक है।
फिर वायर में एक्सेसरी के वायर को कनेक्ट करना है और क्रिम कनेक्टर से प्लास से दबा कर क्रिम करना है। तो भाई ये फ्यूज स्टेप भी अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे अलग अलग तरह के फ्यूज होते हैं वैसे वैसे अलग अलग तरह की उसी तरह की कंस्ट्रक्शन होती है फ्यूज स्टेप की। जैसे सबसे पहले फ्यूज स्टेप आते हैं लो प्रोफाइल मिनी, जो कि अपने मारुति या होंडा जैसे जैपनीज कार्स में लगते हैं, और दूसरे तरह के फ्यूज स्टेप आते हैं अपने मिनी, जो कि ज़्यादातर इंडियन ब्रांड्स जैसे महिंद्रा टाटा वगैरह में लगते हैं। तीसरी तरफ के फ्यूज स्टेप है माइक्रो ट्यूब, ये अमेरिकन ब्रांड्स जैसे फोर्ड और जीप में ना देखे जाते हैं। और सबसे लास्ट तरह की वैरायटी है ATC और ACO, ये आजकल की गाड़ियों में वैसे कम ही देखने को मिलते हैं। तो ये अपने बेसिकली चार तरह के फ्यूज टैप है। तो सबसे पहले देखने के लिए क्या, आपने सबसे पहले तो अपने फ्यूज को एक बार ध्यान से देख लो कि भाई किस तरह का है, लो प्रोफाइल है या मिनी है या फिर माइक्रो है और या फिर ATC ACU है, और फिर उस हिसाब से उसके कंपेटिबल अपने फ्यूज टैप जो कि एग्जैक्टली उन्हीं की तरह की सेम कॉम्पोजिशन में होते हैं। जैसे अब ये जैसे फ्यूज है वैसे ही अपने फ्यूज टैप है। अब किस एक्सेसरी में कितनी साइज का वायर लगेगा, कौन सा फ्यूज लगेगा, ये इस टेबल में से देख कर पता लगा सकते हैं। एक्सेसरी कितने एम्पियर की, या तो उसके स्पेसिफिकेशंस में देख लो, और अगर उसमें लिखा है कि कितने वॉट की है एक्सेसरी, तो ऐसे कैलकुलेट करो कि मानो दो लाइटें हैं 60 वॉट की, मतलब दोनों के कुल 120 वॉट की हुई, इसको 12 से डिवाइड कर दो क्योंकि बैटरी 12 वोल्ट की है, तो रिजल्ट आया 10 एम्पियर, यानी एक्सेसरी 10 एम्पियर की है। 10 एम्पियर के लिए 14 गेज का वायर और 15 एम्पियर का फ्यूज चाहिए। अब फैक्ट्री जैसी वायरिंग करना भी एक आर्ट है, बस कुछ चीज़ें चाहिए। हर एक्सेसरी को पावर की अर्थिंग करना भी ज़रूरी है। गाड़ी की पूरी चेसिस ही अर्थिंग का काम करती है, ठीक है। एक्सेसरी के किसी भी नियरेस्ट बोल्ट पे काला वाला या नेगेटिव वाला अर्थिंग का वायर कनेक्ट करके अर्थिंग कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे 4-5 रुपए के लग कनेक्टर आते हैं, बस इसमें अर्थिंग का वायर डाल के क्रिम करके किसी भी बोल्ट में जो कि बेयर मेटल से कनेक्टेड हो उसमें कसना होता है। ये क्रिम कनेक्टर्स हैं, 4-5 रुपए के आते हैं, पर वायर को स्ट्रॉन्गली कनेक्ट करने में हेल्पफुल है। इसमें अंदर मेटल जैकेट है, वायर डाल के दबाकर क्रिम करने से मेटल वायर को कस के पकड़ लेता और खींचने पर भी वायर नहीं निकलता, और ऊपर का प्लास्टिक इंसुलेशन देता है। हीट सिंक हर तरह के जॉइंट को इंसुलेट कर देता है, चाहे लग कनेक्टर हो या क्रिम कनेक्टर हो या एक्स्ट्रा वायर्स, बस वायर पर चढ़ाकर मोमबत्ती या लाइटर से हीटअप करना है और ये सिकुड़ का वायर को इंसुलेट कर देगा। वायरिंग जैकेट, यह हार्ड प्लास्टिक की कोरोगेटेड ट्यूब है जो फायर रेजिस्टेंस भी है। इसमें पूरी वायरिंग हार्डनेस आ जाती है, नीट एंड क्लीन लगती है, और कार के हीटेड पार्ट्स एक्सेट्रा से वायरिंग को प्रोटेक्ट करती है। मेरे फ्रंट कैमरा के वायर्स में इसको डालकर नीट एंड क्लीन लुक आ गया है, जैसे कंपनी का OEM वायरिंग हो। अभी शॉर्ट सा इंस्टॉलेशन वीडियो जो मैंने अपने फ्रंट कैमरा की वायरिंग के लिए बनाई है, इसे समझने में आसानी होगी।